जय हिंद दोस्तों। पेटीएम यूजर्स के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। बुरी खबर यह है कि पेटीएम से सभी प्रकार के जो आप ट्रांजेक्शन करते थे उन पर जो आपको चार्जेस देने होते थे उन चार्जेस को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप एक पेटीएम यूजर्स हो, पेटीएम को यूज़ करते हो, तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कौन कौन से आपको ट्रांजेक्शन करने होते थे और कौन कौन ट्रांजेक्शन पर कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और कितना कितना चार्जेस यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए अपडेट लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों साइड में आप मोबाइल स्क्रीन को देख सकते हैं, हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन ट्रांजेक्शन पर कितना कितना चार्ज यहाँ पर बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्जेस लागू होने वाले हैं वो 1 मई 2023 से ये चार्जेस लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देन यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, अगर आपका चेक फाइनेंशियल रीज़न की वजह से रिटर्न होता है तो पहले आपको 500 रुपये पे करने पड़ते थे, लेकिन अब से आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं, इसका यहाँ पर चार्जेस नील कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका फाइनेंशियल रीजन की वजह से NACH अगर रिटर्न होता था पहले, तो पहले आपको यहां पर कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन 1 मई 2023 से आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, आपको ये वाला 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट लोड कैश बैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पहले इसका कोई भी पैसा आपको पे करना नहीं पड़ता था और आपकी 25,000 रुपये की लिमिट है, यानी कि 25,000 रुपये तक अगर आप कैश या डिपॉजिट करते थे या फिर लोड कैश करते थे तो आपको यहाँ पर कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता दें कि अगर आप 25,000 रुपये के ऊपर अगर 1,000 रुपये भी आप बढ़ा देंगे तब आपको यहाँ पर 1,000 रुपये पर 5 रुपये प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैश विड्रॉ और विड्रॉ बैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पर पहले दोस्तों अगर आप 25,000 रुपये तक के अगर कैश विड्रो करते थे तो यहाँ पर कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब से दोस्तों आपका क्या होगा, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले आप 25,000 रुपये तक की आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब से आपको 25,000 रुपये के ऊपर, यानी कि 25,000 रुपये के ऊपर अगर आप 1,000 रुपये भी विड्रॉ कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तब यहाँ पर आपको 5 रुपये प्लस आपको GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ATM के बारे में, ATM ट्रांजेक्शन के बारे में। तो आपको दोस्तों देख सकते हैं कि वो तो लिमिट आपको वही देखने को मिल जाती है यहाँ पर। साथ ही दोस्तों अगर हम बात कर लें कि मंथली फ्री ATM लिमिट फॉर आपको, तो यहाँ पर लिमिटेशन के बारे में पहले बात करेंगे, बाद में बात करेंगे हम चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि मेट्रो में भी आपको 3 ट्रांजेक्शन मिलते थे, कर सकते थे, और नॉन मेट्रो में भी आप 5 ट्रांजेक्शन करते थे। इनमें कोई भी यहाँ पर हेरफेर नहीं किया गया, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन यहीं पर दोस्तों कैश विड्रॉ के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो पहले दोस्तों क्या था कि अगर आप कैश विड्रॉ करते थे तो आपको 21 रुपये चार्ज देना पड़ता था। यहीं पर दोस्तों अगर आप कैश विड्रो करते थे तो अब आपसे क्या होगा, अगर कैश विड्रो करेंगे तो आपको यहां पर 21 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप नॉन फाइनेंशियल अगर आप ट्रांजेक्शन करते थे तो आपको 8 रुपये, पहले आपको 8 रुपये का जो है चार्जेस देना पड़ता था, लेकिन अब से क्या होगा, आपको 8 रुपये प्लस GST आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो पहले जो आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते थे, आपको पेटीएम बैंक में डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है, तो पहले जो आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते थे तो आपका 250 रुपये आप पे करते थे, ठीक है, 250 रुपये पे करते थे। लेकिन अब क्या होगा, आपको अगर आप डेबिट कार्ड अपना इशू कराते हैं ना, तो इशू कराने का पहले आपको 250 रुपये देना पड़ता था, लेकिन अब से क्या होगा कि आपको 250 रुपये प्लस आपको GST भी देनी पड़ेगी। यहीं पर अगर हम इसके एनुअल चार्जेस के बारे में बात करें, अगर पेटीएम बैंक में एनुअल चार्जेस, यानी कि साल का पैसा कितना आप पहले देते थे, तो पहले आप 150 रुपये मात्र देते थे, लेकिन अब से क्या है, यहाँ पर पहले 150 रुपये देते थे, अब से क्या है कि आपको 250 रुपये प्लस GST भी देना पड़ेगा साल का, हर साल का, अगर आप पेटीएम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं फिजिकल वाला।
तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रांजेक्शन के बारे में और इसके हिडन चार्जेस के बारे में जो यहाँ पर नई इंपॉर्टेंट नोटिस आई थी उसके बारे में हमने आपको पूरी कंप्लीट और डिटेल में पूरी जानकारी दे दी है। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मन में कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।